नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी विष्णु स्वरूप। दोस्तों, सामाजिक विचारधारा की ढेर सारी लड़ाइयों के बीच में आपने भारतीय राजनीति में बहुत सारे उथल पुथल का इतिहास देखा होगा। वर्तमान में जातीय गणित के विश्लेषकों के मुंह से भी आपने यह देखा होगा कि फलना जाति फलना क्षेत्र में विशेष काम कर रही है। लेकिन गौरतलब बात है कि वंचित समाज अब भी दरकिनार है। वंचितों की एक बहुत बड़ी जो जनसंख्या है, जो उनका वजूद है, जो उनका स्टेटस है, वो अब तक अपने योग्य, मेरा मतलब है कि अपने योग्य जितनी बड़ी समूह उनकी है, उसको उतना बड़ा भागीदारी नहीं मिल सका है। इस भागीदारी के भागीरथी प्रयास में एक जाना पहचाना नाम है श्री प्रकाश अम्बेडकर जी का, जो राजनीति है, राजनीति में लंबा कैरियर रखते हैं। सबसे बड़े लेखक के रूप में भी जिन्होंने दलित साहित्यों के ऊपर बड़ा सा काम किया है वह भी है, साथ ही वो पेशे से वकील भी हैं। तो आज हमारे साथ है प्रकाश अम्बेडकर। सर, आपका स्वागत है। स्वागत है आपका, नमस्कार। सर, वंचितों के लिए सिर्फ बातें होती हैं, वंचितों के लिए वस्तुतः ठोस जो जमी है उस पर कोई काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए, हम लोग इंसानियत की राजनीति नहीं करते। राजनीतिक पार्टियां कई है, बीजेपी है, कांग्रेस है, क्षेत्रीय दल है, ये अपने आप को नेशनलिस्ट पार्टी करते हैं और क्षेत्रीय पार्टी होती है। नेशनलिस्ट पार्टी ने हमेशा ऊंची जातियों का राजकारण किया है, सवर्णों का राजकारण किया है, और कभी भी जिसको हम लोग आज वंचित कहते हैं उनको कभी भी समावेश करने की कोशिश नहीं की। उनको सिर्फ इस्तेमाल किया गया और उनको पूछा गया हर बार जब टिकट मांगने गए तो पूछा गया कि आपके समाज के वोट कितने हैं। उसके बाद जो है वो हम लोग रीजनल पार्टी की ओर आते हैं और हर कोई कहता है कि भैया ये रीजनल पार्टी जो है देश के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि रीजनल पार्टी देश के लिए कोई खतरा नहीं है। जिन समूहों का सत्ता में समावेश नहीं हुआ या कैंडिडेचर नहीं मिले राजनीतिक नेशनल पार्टी के माध्यम से, उनकी जो दायरा है वो राज्य ही उनका दायरा है और उसी राज्य के दायरे में रहकर उन्होंने अपनी एक नई राजनीति शुरुआत की कि जिसको हम लोग रीजनल पार्टी के नाम से कहलाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो पार्टियां अभी मौजूदा वक्त में है या तो वो दाहिने चल रही है या किसी ने बाएं रास्ता पकड़ लिया। मझधार में ये इतना बड़ा समूह विकल्प तलाशने के लिए रीजनल पार्टियों पर आश्रित होती है। Yes. तो ऐसे में आपके द्वारा कम से कम अपने समाज की तो बात मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि आप एक भारतीय जनमानस में हैं, आप सभी दलों की बात करते हैं, सभी जगह जिसको हक नहीं मिला उसको हक दिलाने की बात करते हैं, लेकिन ये जो बड़ा एक समूह है जिसके लिए अम्बेडकर साहब ने प्रयास किया वो अब तक जमीन पर उतरा नहीं, और अगर इन्हें हक मिले तो आप इस हक की लड़ाई जो अभी आप लड़ भी रहे हैं तो इसको कैसे शक्ल देंगे? देखिए, अभी इलेक्शन का माहौल है, हो सकता है कि कोरोना अगर नहीं होता तो बिहार के राजनीति में हम लोग एक अलग से एक पहल करते, लेकिन 5 महीने से कोरोना की वजह से ना आप कहीं जा सकते हो ना घूम सकते हो, ऐसी एक परिस्थिति है, और इसलिए जो शक्ल हम लोग बनाना चाहते थे वंचितों का वो हम लोग बना नहीं पाए, इस बात को हम लोग कबूल करते हैं। बिल्कुल सही सर। अभी जो वर्तमान में स्थिति है बिहार में, एक बड़ा तबका, विशेषकर जिस उच्च जाति की बात करें हम तो ब्राह्मणों का एक बड़ा तबका यह भी नाराज है, और नीचे से श्रेणी से आ जाए तो रविदास सहित जो वंचित समाज के हैं रिप्रेजेंटेटिव उन्हें भी पूरी भागीदारी नहीं मिली। तो
आपका तीसरा मोर्चा, इसकी क्या भूमिका होगी अभी इलेक्शन में? देखिए, जिस तरह से इलेक्शन अनाउंस हुआ, हमेशा होता है कि नॉमिनेशन के पहले 45 दिन आपको मिलते हैं। इस बार जो है वो 13 दिन ही मिले आपको, कि भैया इसका ये, और मैंने जैसे कहा कि इलेक्शन के पहले 5 महीना चाहे 6 महीना, ये तो फरवरी से जो है कोरोना से ही जुड़ा हुआ है। आपकी ट्रेनें बंद थी, एयरलाइंस बंद था, बसेस बंद थी, एक तरीके से कहती ही सरकार ने बना दिया था आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस इलेक्शन में शायद मैंने जैसे कहा कि जो शक्ल हम लोग बनाना चाहते थे वो शक्ल बन नहीं पाई है। बिल्कुल सर, अगर मान लेते हैं कि इस वर्तमान विधानसभा में कुछ सीटें मिलती है, जिसकी सर्वे में ये बात सामने भी आई है कि कई जगह निर्दलीय हैं, कई जगह हैं जिसको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनकी उपस्थिति होगी और ये विधायकों की संख्या भी कुछ होगी, अगर यह जीतते हैं तो ये इनकी भूमिका राज्य सरकार बनाने में क्या होगी? क्या ये नीतीश को समर्थन देंगे, बीजेपी को समर्थन देंगे, या तीसरे मोर्चा के लिए कोई विकल्प बनाने की का पहला प्रयास करें? एक पहला जो है उसमें एक स्पष्ट कर दूं कि केंद्र सरकार की जो नीतियां चली है और जिस तरह से नीतीश कुमार हम उनसे अलग रहे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एनसीआर एक सबसे बड़ा इशू है, सिटीजनशिप का एक दूसरा इशू है, तीसरा जो ये प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं उसका एक सबसे बड़ा इशू है। मतलब ये तीन इश्यूज जो है, मैं ये कहूंगा कि इन इश्यूज के पीछे 10% से लेके 15% तक वोटर है कि जो सेंसिटिव है इस इशू पर। आप इस इशू पर सेंसिटिव होने की वजह से नुकसान मुझे जो दिखाई देता है वो एनडीए को दिखाई देता है। सर, एक सवाल और ले लेते हैं कि अभी जो ये कोरोना का पीरियड है जिसमें आर्थिक दुर्दशा लोग बता रहे हैं कि आर्थिक दुर्दशा होगी, क्या लगता है ये सरकार, इसमें पहले तो मना कर दिया, लॉकडाउन हो गया, सब कुछ ठप पड़ गया, लेकिन अब फिर स्थिति वैसी ही है, केस बढ़ रहे हैं, मौतें भी रुकी नहीं है, लेकिन ये स्थिति बन गई, अब इस समय में चुनाव भी हो रहा है, सब कुछ खुलता जा रहा है, तो ये क्या था ये कोरोना जिसके लिए अभी पब्लिक ये सवाल पूछती है? देखिए, सवाल ऐसा था कि इसके पहले भी वायरस आ गया, स्वाइन फ्लू का है, N1H1 का आ गया, मतलब 15 साल से अगर देखें तो 3 बार वायरस आके चले। लेकिन उस वक्त पब्लिक लाइफ डिस्टर्ब नहीं, 15 साल एक जातीय व्यवस्था थी, एक जातीय राजनीति थी, बहुत कुछ था, 15 साल था वो समय जिसमें लालू प्रसाद यादव ने राज किया, फिर 15 साल यह है जिसमें नीतीश कुमार ने राज किया। अभी जो कोरोना के शुरुआत में जिस मजदूरों की आप बात कर रहे हैं, वो आए और फिर यहाँ काम नहीं मिला और फिर वो लौटने की भी बात सामने आ रही है, तो ये 15 साल बनाम 15 साल, इस दोनों के बीच में आप क्या एक सॉल्यूशन बिहार की जनता को बताना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए कि अभी शासन की ओर से एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है और वो ये है कि गन्ने की जो मिले हैं, पहले वो शक्कर ही निकालती थी, लेकिन अब वो मॉलिसिस से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी निकालती है। इस साल से ही केंद्र सरकार ने 20% पेट्रोल में मिक्स करने की परमिशन दी। जैसा कि आपने देखा, श्री प्रकाश अंबेडकर जी का एक सोच है जो राजनीतिक भी है, वंचित समाज के लिए भी है, एक आर्थिक दृष्टिकोण भी रखता है, और ये एक सामूहिकता का परिचय देते हुए बिहार की राजनीति में यूं तो पहले भी आते थे, पहले भी ये इनका प्रभाव रहा है, और अब पुरजोर
यहाँ की राजनीति में तीसरे मोर्चे के साथ एक विकल्प देने की तैयारी में है। धन्यवाद।